रेप केस में डाल दूंगी तो अंदर तेरी पता भी दिमाग मत खराब कर। सब बीच में को नाराज हाथ किसे लगाया, हाथ नीचे। राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल मेरे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई लोगों के बढ़िया और हमेशा बढ़िया रहना चाहिए। और भाई आज की वीडियो की स्टार्टिंग आप सभी ने देख ली, तो होप आप वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक और शेयर जो भी होता है वो कर देना। और भाई आज हमारे साथ ये भाई हैं, भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत है। सुरजीत भाई का नाम है। और भाई सुरजीत भाई के काफ़ी ज़्यादा फेसबुक वगैरह पे मेरे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए थे, तो मैं अभी मतलब मैसेज वगैरह देखता ही रहता हूँ। तो भाई इनके जब मैंने मैसेज देखे तो मैंने तुरंत इनको नंबर दे दिया अपना। और भाई जो इन्होंने मेरे को फ़ोन पे पूरी बातचीत बताई भाई, वो उस टाइम तो भाई रात का टाइम था, बताते थोड़ा रो रहे थे। तो अभी भाई आप मेरे को ये सीन बताओ जो भी आपने मतलब मेरे को बताया परसों रात को। सीन ये है कि मैं अपनी वाइफ से वैसे तो बहुत प्यार करता हूँ, अच्छा, लेकिन वो मुझे अब बहुत परेशान करने लगी है। वो मुझे दहेज का झूठा आरोप लगा रही है, मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। अच्छा। और बहुत ही गंदे बिहेव से वो पेश आ रही है घर में भी। अच्छा। मेरे घर वालों को भी बहुत परेशान कर रखा है, घर में कोई कामकाज नहीं करती। मेरे बड़े भाई के ऊपर भी उन्होंने बहुत झूठे झूठे गंदे गंदे आरोप लगाए हैं। आपके बड़े भाई हुए? हाँ जी। अच्छा, मतलब एक तरह से ऐसे उसने घर का माहौल ऐसा चेंज कर दिया है कि मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता क्या किया जाए क्या ना किया जाए। इसलिए सर मैंने आपको मैसेज किया था। अच्छा। मैंने आपकी हेल्प ली थी इसीलिए कि आप मेरी कुछ हेल्प करें। ठीक है। इसमें बाकी मैं अभी बहुत परेशान हो चुका हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प करिए सर। तो कितने टाइम से ये सारा मामला चल रहा है? सर हमारी शादी को वैसे तो 2 साल हो गए हैं। अच्छा। लेकिन फिलहाल ये जो माजरा चल रहा है ये अभी पिछले 6 महीने से स्टार्ट हुआ है। वैसे बॉस के बहुत सारे फ्रेंड हैं। अच्छा। लेकिन मुझे पसंद नहीं है उसके फ्रेंड का घर में। शादी के बाद सारी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बंद हो जानी चाहिए, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, सब उल्टा ही हो रहा है। अच्छा, तो मतलब आपका कोई बच्चा बेबी वगैरह? नहीं, अभी नहीं, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ है। और वो इस बात को भी बिल्कुल इनकार कर देती है कि मुझे अभी कोई बेबी नहीं करना है। और अब तो फिलहाल बेबी की तो बात ही नहीं आती, अब तो फिलहाल उसने दहेज की डिमांड रख दी है। दहेज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो भाई कुल मिला के आपको मुद्दा समझ आया कि भाई इन भाई की जो बड़े भाई है ना, इनकी वाइफ ने उस पर भी आरोप लगा रखा है, गंदे गंदे आरोप। आप खुद समझदार हो भाई, ठीक है। और बच्चे होने का तो कोई अभी मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अभी से वो दहेज मांग रही है तो बाद में बच्चे को कौन फिर उस पर अलग से कहानी बना देगी वो। तो भाई देखो रहे हो कितनी बड़ी समस्या है। तो भाई ऐसे मेरे हिसाब से बहुत बारी आपके आसपास पड़ोस में ऐसा होता होगा, अगर होता है तो भाई आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी भाई इनकी वाइफ के आने का इंतज़ार करते हैं, देखते हो कब आती है। बाकी 12 बजे से हम यहाँ पे आ रखे हैं, इंट्रो अभी ले रहे हैं, लड़की आने वाली थी 1 बजे से, अभी 3:30 बज रहे हैं, अभी तक उसका कुछ नहीं है। अभी फ़ोन करा है, करीब 15 मिनट में आ रही हूँ, और साथ में एक बढ़िया सी गाली भी दी थी भाई को। तो अभी उसके आने का इंतज़ार करते हैं, और कुछ तो भाई हमारे पास है नहीं करने को। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। क्या है, क्यों बुलाया अभी? मानसी, मैंने तुम्हें यहाँ बात करने के लिए बुलाया। तो मुझे तो बात करनी ही नहीं है। बैठो यार, बात तो करो। नहीं, मुझे बात ही नहीं, आप ही क्यों बुलाया? घर पे बात नहीं होती यार, घर पे समझा करो। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया, सिर्फ बात करने के लिए बुलाया। देखो क्या बात करनी है, ये चीज़ें अच्छी, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। देखो इतनी मुश्किल से हमारी शादी हुई है, मैंने अपने घर वालों को भी मनाया है, तुम्हारे घर वालों को मनाया है। मेरे को नहीं पता, मैं पैसे निकाल, मैं कहाँ से ला के दूँ यार पैसे इतने? कहाँ से ला के दूँ यार? मैं यार एक छोटी फैमिली से बिलोंग करता, एक छोटी सी मेरी नौकरी है, वो भी इस टाइम मेरी नौकरी चली गई है लॉकडाउन के थ्रू। तो तुझे पहले मेरे से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। तो अब तुमने मुझे तू पैसे निकाल मुझे। तो तुमने क्या मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है? हाँ, मैंने इसलिए किया। ठीक है यार, ये तो कोई बात नहीं, बकवास मत कर। तुम पहले तो ऐसे नहीं दिखती थी, अब तो अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे तुम्हारे दोस्त भी घर में आना जाना लगा रहता है, मैं तुमसे इतना कुछ कहता भी नहीं हूँ यार। तो आएंगे दोस्त, आना चाहते हैं मेरे को आएंगे, लेकिन शादी वादी सब चीजें छूट जाती है मानसी, ऐसे कौन आता है घर में? तुमने मेरे को प्रॉब्लम है तो तू देख, मेरी अडिक नहीं है वो। तुमने मेरे बड़े भाई पे भी इतने गंदे गंदे आरोप लगाए, मैं तब भी चुप रहा। भाई ऐसा ही है, मेरा भाई ऐसा नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें ऐसी हो शायद। उसकी हरकतें ठीक नहीं है, तुमने देखा अपने भाई को कभी? मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है शायद तुम्हारा नजरिया बदल गया है। ठीक है, मैं बोल दिया मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसा रहना ही नहीं है, मुझे तू पैसे निकाल। मैं पैसों के लिए बात करने आई हूँ, यहाँ पे बकवास सुनने नहीं आई तेरी। मैं कहाँ से ला के दूँ यार पैसा तुम्हें? तुम्हें तुम देखो मेरी पता है ना अच्छे से, मुझे इस बात से लेने देने ही नहीं है। अभी मेरी नौकरी भी चली गई लॉकडाउन के चलते, मेरी नौकरी भी चली, मैं कहाँ से तुम्हें पैसा ला के दूँ यार? देख दे, अभी तक 5 लाख प्यार से मांग रही हूँ, उससे ज्यादा मांगूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। चुपचाप निकाल, मेरे को नहीं पता यार, मेरे पास नहीं है पैसे, मैं कहाँ से दूँ मानसी? मेरे पास नहीं है। तेरे दोस्त इतने आ रहे हैं, उससे पता कर कि दे दे। देखो कितनी मुश्किल से यार मैं तुमसे शादी की, मैं तुम्हें पहली नजर में तुम्हें पसंद किया, अपने घर वालों को मनाया, तुम्हारे घर वालों को मनाया। मेरी मर्जी थी, मैं जबरदस्ती नहीं बोली थी तुझे शादी करने के लिए, ठीक है? तूने अपनी मर्जी से करी, अब मैंने तुझे बोला पैसे दे, बस पैसे दे, इसके अलावा बात नहीं करनी। तो तुमने मतलब मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है? पैसों के लिए गई थी तुझे शादी। तो तुम पहले भी पैसे नहीं दे रहा? तो तुम पहले भी ऐसे काम कर चुके हो किसी साथ? क्या तुझे उससे क्या लेना देना? तू अभी की बात करना, तू पैसे निकाल, फालतू बकवास मत कर। देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं कहाँ से ला के दूंगा पैसे? मेरी नौकरी भी छुट्टी हुई यार। देख,
रेप केस में डाल दूंगी तो अंदर ज्यादा। अच्छा आप तो मुझ पर रेप केस भी लगाओगी? क्यों ही लगा सकती? नहीं मैं में जाएगा वरना। मैं तुम्हें बताऊं, तू देख, मैं तुम्हें ऐसा समझता भी नहीं था यार तुम ऐसी निकलोगी। मैं ऐसी हूं, समझता था नहीं समझता, अब तो हूं। तब तू देख। नहीं मेरे पास देखो अभी पैसे नहीं है, मेरी नौकरी भी चली गई है, मैं अब ऐसी बहुत परेशान हूं और मैं अपने घर वालों लेके बहुत परेशान हूं। मैं तो नहीं देखूंगी, तू देखेगा, तू देख, तेरे तो अपने बाप से बोल देके देगा। देखो मानसी ये चीज है, बैठ के भी हल हो सकती है, प्यार से बात हो सकती है। कुछ भी कर, वो तेरी है, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी कैसे बेच सकता हूं यार? तू बेच ना, मुझे क्या लेना देना इस बात से, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी तुम्हें पैसे नहीं दे सकता मानसी, तुम्हें पता है घर की स्थिति कैसे चल रही है, तुम जानती हो उस बात को, अच्छे से जानती हो। अरे मुझे नहीं कर मतलब उस चीज से, वो तुम्हारे भी इतने सारे यार दोस्त आते रहते हैं, उन पर भी इतना खर्चा होता है, लेकिन मैं तुमसे तब भी कुछ नहीं कहता। मैंने चलो कोई नहीं, धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। मेरे दोस्त यार तो आएंगे, मैं जिसको बुलाना चाहूंगी सबको बुलाऊंगी, ठीक है। तेरे से कुछ होता नहीं, तू करने भी दे, मुझे नहीं पता, तू बुला। देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है मानसी, तुम जानती हो घर की स्थिति अभी बहुत ज्यादा नाजुक है। मेरा दिमाग मत खराब कर, ठीक है, मेरे को नहीं पता, मेरे को ला के। देखो ये बदतमीजी मत करो, ठीक है ना, बकवास कम कर, पैसे दे। पैसे के लिए बुलाया ना यहाँ पे? मेरे पास पैसे नहीं है। बकवास करने के लिए नहीं बुलाया? मेरे पास पैसे नहीं है। बुलाया था यहाँ पे बकवास? मैं तुम्हें सिर्फ बात करने के लिए बुलाया था। तो बात नहीं करनी ना तेरे से, बात करनी तो घर पे कर लेती। पैसे दे, बकवास कम कर। मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जानते हो। कहाँ से लाके दूं तुम्हें पैसे यार, कहाँ से लाके दूं? तेरी हेडिक ना, वो मेरी हेडिक थोड़ी है, वो तू देख कैसे लाएगा। तेरे बाप की प्रॉपर्टी है, उसको बेच। यार बाप की प्रॉपर्टी मैं कैसे बेच सकता हूँ यार? वो तू देखेगा अपने बाप से क्या बोलना, तुझे तुझे देखेगा, मैं थोड़ी देखूंगी। यार तुम्हारे कारण मेरे घर की इतनी स्थिति खराब हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो उस स्थिति की जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ, तू है, तू कमा धमा। मैंने बोला था घर पे बैठ जा, बैठा हुआ घर पे तो कमा रहा हूँ, तो कमा तो मैं कर रहा ही था, लेकिन कमा के अपना अरेंज कर, मेरे को नहीं पता। तू दिमाग मत खा, फालतू बकवास मत कर, तू दे पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँ पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। बकवास कम कर, तू मुझे नहीं पता, समझ गया? मेरे पास अभी पैसे नहीं है। आप कौन? हाँ जी यही है मेरी वाइफ मानसी। कौन है, कौन है भाई? ये मेरे बड़े भाई है, मैंने ही इनको बुलाया था यहाँ पर। क्यों बुलाया भाई? मैं तुमसे बात करने के लिए बुलाया था, क्योंकि मुझे पता तुम मन नहीं मानोगी ऐसे, इसलिए मैं अपने बड़े भाई को यहाँ पर बुला लेगा। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं किसी को नहीं बुलाया, ये मेरे बड़े भाई हैं। पहले तो बड़ा भाई दिखा नहीं, आज कौन सा चिपक गया? एक बात बता, तेरे को शर्म आती है नहीं आती है? क्या शर्म आनी, शर्म आती है तेरे को? क्या शर्म आनी, शादी करी है तूने, कोई अफेयर चल रहा है तेरा यहाँ पे? बात कैसे कर रही है पति से, ऐसे बात की जाती है? मैं तो ऐसी बात करूंगी, ऐसे क्यों करेगी? शादी में आ रखी है, फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, पैसे मिलेंगे तेरे को ऐसे बोलने के? देगा क्यों देगा, वो क्यों देगा, किस बात के, किस बात के चूतिया बना के पैसे ले रही? कोई हक के कौन से, कौन से पैसे ले रही? हक के ले रही है तू, देना पड़ेगा इसको, वो उसकी आईडी में छोड़ी। क्यों भाई इसने ऐसे परेशान कर रखा है मुझे, पिछले 6 महीने से मेरी जिंदगी ऐसी नरक कर रखी है, मुझे समझ में नहीं आता मैं मरूंगा या जीऊंगा। तो शादी करने से पहले सोचना था, तो शादी करने से पहले तू सोचती ना, तेरे को पता होता ना तू शादी क्यों कर रही है? मैं तो नहीं आई थी इसके पास, तो तूने वहां पे फेरे नहीं पाड़े? क्या करा तूने वहां पे, बैठी रही ऐसे देख रही थी क्या हो रहा है? तो किस लिए बुलाया तूने इसको? ओ मेरे को बात करना, इधर बात कर। क्या वहां पे देख रही थी? टीवी देख रही थी, टीवी देख रही थी वहां पे? मैंने की नहीं, मैंने करी नहीं 2 साल से। फिर क्या, क्यों बुलाया भाई? मैंने बात करने के लिए बुलाया, पैसे नहीं दे रहा है तेरे को, बता क्या करेगी? देख ले तू क्या करेगी, तब तो देने पड़ेंगे तुझे। ओए मेरे साथ बात करे, पढ़ खाएगी मेरे से जोर से। हाथ नीचे, हाथ कैसे लगाया? हाथ नीचे, हाथ कैसे लगाया? हाथ नीचे, हाथ ऊपर नहीं चाहिए मेरे को, तमीज से बात कर। हाथ नीचे, हाथ नीचे एक और आएगा अब वाला ना, मुंह लाल कर देगा, मेकअप वेकअप ना तेरे सारे यहाँ पे ना मैं उतारो उतार देना। किस लिए बुलाया? हाँ मैंने बुलाया, मैंने बात करने के लिए बुलाया, आप तुम बात करो। बात बता किस चीज के 5 लाख रुपए ले रही है, किस चीज के ले रही है, किस चीज के ले रही है 5 लाख रुपए? देने पड़ेंगे इसको। क्यों 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 देश की देगा? कब लगाया? कब क्यों क्यों देगा? तू दे रही है ना, वो तो दे नहीं रहा, जबरदस्ती क्यों ले रही है? ये भी देगा, तलाक नहीं देगा वो, देना पड़ेगा, पागल है वो, क्यों देगा? अरे देगा क्यों, रहना तुम्हें नहीं है, तुम्हें मैं बाहर दोस्तों यारों के साथ दोस्ती यारी करनी है, पता नहीं क्या क्या करना, इसका क्या लेना देना, अपना खुद निपटना, इसको क्यों बीच में डाल रही है? इसको पैसे मांगे थे ना मैंने इससे, तो क्यों, किस बात के? कभी 5 लाख इकट्ठे देखे कितने होते? 5 लाख में 0 पता है तेरे को? मेरे को नहीं लग रहा तेरे को पता भी होंगे कितने 0 आते हैं। चाहिए क्यों, चाहिए क्यों, बोलेगी गूंगी होगी क्या, बोल। मांगे थे ना मैंने इससे, तो मुझे चाहिए। बोलनी मत बन, बोलनी मत बन, बोलापंती 2 मिनट में निकाल दूंगा तेरी जैसे, मैंने पता नहीं कितनी देखी है, इतनी बदतमीजी मत कर। क्यों, किस चीज के लिए चाहिए बता, इसने क्या तेरा उल्टा कर दिया? तूने उल्टे इसके बड़े भाई पे क्या भाई आरोप लगा रखा है? इसने मेरे बड़े भाई पे गंदे गंदे आरोप लगाए हैं कि मुझे बदतमीजी से देखता है, मुझे से छेड़ा है, इस तरह को शर्म आती है?
इसका भाई देखता है। करेक्टर अभी मेरे सामने ऐसे हो रहे हैं तो मेरे को क्या पता, मेरे हिसाब से तो इसका भाई बिल्कुल सती सावित्री तू खराब है। कुछ पता है इसके भाई के पास, पता है इसको अपने इसके भाई इसके बारे, इसको तो तेरे बारे में पता है ना तेरा क्या करेक्टर है, इसको तो पता है ना तेरे दोस्त यार हैं, शादी के बाद भी तो उनके साथ घूमती फिरती है। बुरी बात थोड़ी है, शादी के बाद घूमना फिरना आना जाना कौन सा होता है, घर में कौन से यार दोस्त आते हैं तेरे, कितने आते हैं भाई घर पे? भाई मेरा कोई दोस्त नहीं था। तेरे क्यों आते हैं शादी के बाद भी दोस्ती? स्कूल में पढ़ रही है क्या? पूरा दिन घर से बाहर घूम रही है दोस्तों साथ, घर पे कोई काम नहीं। पढ़ रही है क्या? कहाँ पढ़ रही है? स्कूल में पढ़ रही है। दूर से बात कर, हाथ में लगाया हाथ नीचे, मेरे को हाथ से बड़ी एलर्जी है, उंगली से मेरे को बहुत एलर्जी है, मैं उंगली तोड़ दूंगा। हाथ नीचे, उंगली नीचे, उंगली से मेरे को बड़ी एलर्जी है, दो और आएंगे, समझ आ रही है तेरे? पैसे नहीं देगा क्या करेगी? झूठा एक बात बता, बस मेरे को इतना बता कि हाँ मैं झूठा केस लगा रही हूँ, मैं पैसे दिलवा दूंगा तेरे को अभी। तू बोल मैं झूठा केस लगा रही हूँ, जानबूझ के झूठा केस लगा रही हूँ, उसको चूतिया बना रही हूँ, बता। तो मैं लगाया, बता ना, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल, बोल मैं इस पे जानबूझ के झूठा केस लगा रही हूँ। तो मैंने लगाया, हाँ, बोल जानबूझ के, तू जो जो मैं बोल रहा हूँ बोल, मैं इस पे जानबूझ के झूठा केस लगा रही हूँ। हाँ मैं इसके जानबूझ के झूठा केस लगाया। ठीक है भाई, ये चीज़ तेरे को रिकॉर्ड चाहिए थी, ये माइक लगा हुआ मैडम, वो हमारा कैमरा लगा हुआ, जो आपने चीज़ बोली यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। अभी आप एक काम करो, जाके आराम से केस करो, फिर हम आपकी ये वीडियो जो है ना जहाँ पे केस करेंगे तो भाई आप दिखा देना। बिल्कुल ठीक है जी, तेरे से पूछ के लगाएंगे। तू नहीं, तू उससे पूछ के आरोप लगा रही है इस पे, तू इससे पूछ के आरोप लगा रही है। अब डाउन हो रही है, क्या हो गया? अभी तो उड़ रही थी, आराम से बात। नहीं नहीं, अभी तो उड़ रही थी, अभी तो उड़ रही थी तू, अभी उड़ उड़ ना, उड़ तो सही तुम्हारी, क्या हो गया? उड़ ना, अभी अभी तो उड़ रही थी, उड़ नहीं आता उड़ाना, मैं दिखाऊं उड़ाते कैसे, दिखाऊं दिखाऊं। अच्छा चलो कैमरा हटाओ अपना, लोग इसको बंद करो ये सब। क्यों 50,000 रुपए देगी? 50,000 रुपए दे, मैं बंद करवा दूंगा। क्यों, मैं क्यों दूंगी? नहीं देगी ना तो खड़ी हो यहाँ से, रास्ता नाप अपना, निकल। और भाई ये सील खड़ी क्या है, खड़ी क्या है? हम आराम से बात करते हैं ना, थप्पड़ खाएगी, निकल। अब कोई आराम से बात नहीं होगी, हाथ मत लगाओ, दूर से बात कर, चल तो रास्ता नाप, चल निकल, निकल यहाँ से। और आज के बाद फोन मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से निकल बेशरम। ये चीज भाई होगी तेरे पे रिकॉर्ड? हाँ जी भाई, कुछ भी कल के दिन कुछ भी हो, कुछ नहीं करना, क्लिप आगे भेज देनी है जी, देखो जानबूझ के जो कर रही थी जानबूझ के कर रही है, मेरे हिसाब से सब क्लियर है। ठीक है भाई, ठीक। और भाई कभी आपके साथ भी कुछ हो ना तो आप अपने पास ना एक प्रूफ रखो। देखो मोबाइल तो आज के टाइम पे सबके पास है, वीडियो नहीं कर सकते तो आप एक रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते हो ना भाई। हो सकता है आप 100% से 20% 40% बच जाओ भाई। देखो ये तो आए दिन पता नहीं कहाँ कहाँ कितना कितना होता है भाई, जैसे इन भाई पे हो रहा है, सुरजीत भाई पे, ऐसे पता नहीं कितने भाई होंगे भाई, समझ रहे हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, जो अच्छा लगे वो कर देना। मैं आपको मिलूंगा किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम जी।